कि अपने ही खेत में पहले कभी पीला बैंगन नहीं देखे थे हम, लेकिन आज पीला देखने को मिल रहा है। और बहुत ही लोग बनाते होंगे, आप में से भी बहुत लोग बनाते होंगे, तो ये जब लाल हो जाता है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये है बैंगन के पकौड़े, बैंगन वाला ही ना है। बहुत रात हो गया, चलो सो जाओ, 10 बज गया है ना, ममानी से ना कह रही हो। Hey guys, welcome back to my new vlog। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो guys, अभी फजीर का अजान भी हो चुका है और मैं नमाज अदा करके आ रही हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, इस वजह से मैं सहरी से पहले वीडियो नहीं सोचती हूँ। और अभी अभी भी तुरंत मैं नमाज अदा करके आ रही हूँ। और अभी 5 बज रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद तो मैं सो ही जाती हूँ, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं सुबह। तो गाइज अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं सो के उठी कुछ देर पहले, तो देखा कि हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक का बहुत ही रहम करम है, रमज़ान के महीने में थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ, अभी भी आसमान में हल्के फुल्के बादल है। अजल भी है इधर, अजल कहाँ घूम रही हो, कहाँ घूम रही हो कहाँ घूम रही हो भाई, कहाँ घूम रही हो। और मैं अभी बैठ गई हूँ, मेरा देख के अजल भी बैठ गई है नीचे खड़े हो गए, तो ये भी खड़ी हो गई है। क्या हो गया, क्या हो गया। तो अभी भी बादल हैं हल्के फुल्के और मौसम बहुत ही ठंडा लग रहा है, बहुत ही हरे भरे दिख रहे हैं चारों तरफ और बहुत ही ठंडा मौसम है। और ऐसा लग रहा है जैसे आज ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। चलो अंदर चलो, चलो हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, चलो चलो चलो, दौड़ के चलो, दौड़ दौड़ के दौड़ के चलो घर में, चलो बेटा चलो 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 दौड़ के चलो अम्मा के पास चलो। रमजान के महीने में तो समझ ही में नहीं आता है इंसान क्या करे ना करे, दिन में तो कोई काम ही नहीं होता है, ना नाश्ता बनाना, ना दोपहर का खाना बनाना, बस यही इबादत करना, नमाज पढ़ना, और ये सब दिखाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो सहरी इफ्तारी यही रहता है, इंसान दिन भर थोड़ा सो भी लेता है 1-2 घंटे। तो अभी सानिया जा रही थी बाड़े में, कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं भी चलूँ थोड़ा सा घूम फिर आऊँ, क्योंकि बाहर भी निकलने का मन नहीं करता है रमज़ान के महीने में। तो अभी मैं थोड़ा सा बाड़े जा रही थी, बाड़े से होके आऊँगी, क्योंकि आज का आज जुमा का दिन भी है तो नमाज इबादत भी है करना है, तो पहले बाड़े से होके आते हैं। तो अभी मैं अपने बाड़े में आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि सानिया धनिया लेने आ रही थी तो मैं साथ में चली आई। और बाड़े का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है, लग ही नहीं रहा है। और जो धनिया लेने हम लोग आए थे उस धनिया की हालत तो लेने लायक नहीं है, इसमें पत्ती नहीं रह गया है धनिया में। और इधर जो आलू थे आलू ख़त्म हो चुके हैं। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने बाड़े की हालत, इधर पालक बचे हुए हैं थोड़े बहुत, और ये है प्याज जिसमें गोभी लगे हुए थे उसमें प्याज लग गया है, ये लहसुन कुछ बचे हुए हैं, बाकी सब आलू आलू ख़त्म हो गए हैं, थोड़ा बहुत बचा है प्याज व्याज, प्याज है और थोड़ी बहुत सब्जी है, बैंगन टमाटर। तो बाड़े की हालत बहुत ख़राब है अभी फ़िलहाल इस मौसम में, फिर से सब्जी सब उगाए जाएंगे क्योंकि एक ही सब्ज़ी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रही, बदल बदल के सब्जी लगाया जाता है। तो ऐजल भी मेरे साथ आई है, मेरी गुड़िया, और इसके पापा भी इसको ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे, और कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को बाड़े में से, इस वजह से सिर्फ हम लोग बैंगन टमाटर और धनिया की पत्ती लेके जा रहे हैं। अब चलेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ये भी पीला है, ये पता नहीं अजीब सा पीला पीला बैंगन हम पहली बार देख रहे हैं, वो भी अपने ही खेत में पहले कभी पीला बैंगन नहीं देखे थे हम, लेकिन आज पीला देखने को मिल रहा है। और ये गोल वाला भी बैंगन पीला है, पता नहीं ये सड़ा हुआ है कि क्या है, पीला क्यों है समझ में नहीं आ रहा है, ले लेते हैं घर पे लेकर चल के पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से और हम लोग पैदल ही आए हैं, लेकिन अब ऐजल के पापा आ गए हैं साथ में तो बाइक से ही चले जाएंगे। बाइक इधर है, बाय बाय।
ये है बैगन के पकौड़े, बैगन वाला ही ना है। और ये है आलू के जो डेली बनता है बच्चों के लिए, बैगन का बन गया आलू का। और ये बड़ा है, अभी है नहीं, बनने जा रहा है। उड़द का दाल है, इसका बनेगा बड़ा। तो जब भी बड़ा बनाना होता है, अगर आप लोग बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं लोग तो मैं बता देती हूँ कि बड़े के दाल में एक ही बार नमक नहीं डाला जाता है। जितना एक बार में तला जाता है सिर्फ उतने में ही नमक डाला जाता है। जैसे कि इसमें डाल दिया गया है, इधर वाले में भी नमक नहीं डलाया है, क्योंकि ये तुरंत पिघलने लगता है, पानी छोड़ देता है और इतना गीला हो जाता है कि इसका बड़ा बन ही नहीं पाता है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा नमक डाल के इसको तला जाता है। क्या हो गया अजार? ये देखो बड़ा बना रहे, खाओगी? बड़ा खाओगी? बड़ा खा लो, अभी ले लेंगे बाबू को। तो ऐसे ही बड़ा बनता है, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के, पानी लगा के फिर उसके बाद थोड़ा सा दाल लेके इसको घोल करके इसको बीच में से ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसा बनता है बड़ा, बीच में से इसको घोल कर दिया जाता है और फिर इसको ऐसे, और पानी नहीं लेने पर ये हाथ में चिपक जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के फिर इसको बीच में से ऐसे कर दिया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग बड़ा। बहुत ही लोग बनाते होंगे, आप में से भी बहुत लोग बनाते होंगे। तो ये जब लाल हो जाता है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो गाइस धीरे धीरे सभी कुछ तैयार हो चुका है रमज़ान के महीने में। ऐसा पहले नहीं होता, ऐसे आम दिनों में तो कोई नहीं बनाता है, बनता भी है मान लीजिए डेली बनता है, सुबह तो हम लोग के यहाँ डेली बनता है, लेकिन हर तरह का चीज़ एक ही बार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बन जाता है कभी कभी। लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि एक ही दिन में एक ही टाइम में कई तरह की चीज़ बनते हैं और बन भी जाता है, हो भी जाता है। और आम दिनों में बनाना होगा तो कोई बना भी नहीं पाएगा। तो आज हम लोगों ने फुलकी भी बनाया और ये कई तरह के पापड़ भी तल के रख दिए हम लोग। अभी असर का नमाज हो चुका है और हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं और बच्चे भी हैं सारे। नहीं जाना भी तो जरूरी है, मौसम इस टाइम तो मौसम बहुत ही खराब लग रहा है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और बदली बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, बादल भी गरज रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। अभी आधे घंटे टाइम है मगरिब की अजान में, तो अभी थोड़ा देर हम सोचे बाहर निकल के टहल लें बच्चों के साथ, तो फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर इफ्तारी बस बनी चुकी है, अभी हम भी थोड़ा सा हेल्प करके आ रहे हैं। जाओ अजल, तुम भी खेलो, जाओ जाओ, तुम भी खेलो भाई के साथ, जाओ माही नपी के साथ खेलो, जाओ। ये आज हम लोगों ने फुल्की बनाने की कोशिश की, 80% बना ही लिए हम लोग, लेकिन दुकान जैसा नहीं बना पाए हैं। और लगभग इफ्तार की सारी तैयारियां हो चुकी है, और ये आलू प्याज के पकौड़े बन गए हैं, और ये उड़द के दाल के पकौड़े, नहीं सॉरी, ये मसूर के दाल के हैं, ये कच्चा चना है, और ये भी चने के दाल के हैं, और अभी कुछ बनने बाकी हैं, थोड़े बहुत बन गए हैं। क्या कर रही हो अजार? क्या कर रही हो तित्ती? खेल रही हो अब्बी के साथ? खेल रही हो बेटा? बहुत रात हो गया, चलो सो जाओ, 10 बज गया है ना, ममानी से ना कह रही हो? अनु तुम नहीं सोगी? नहीं, तुम सो जाओ अजार, 10 बज गया बेटा। तो गाइज मैं अभी वीडियो की एंडिंग बनाने वाली थी और ये इतना परेशान कर रही है, 10:30 बज गए, सो भी नहीं रही है। और रमजान के दिन में तो आप लोग जानते हैं खाने पीने के बाद दिल चाहता है कि कब सो जाएं, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम भी जल्दी उठना रहता है, लेकिन ऐसा इतना परेशान करती है, 11:12 बजा देती है सोने में। आप लोग देख सकते हो कितना तंग कर रही है। दे दे। क्या दे दे?
तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करने देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।